नमस्कार, अखबार जगत में आपका स्वागत है। इंदौर में अनलॉक होने के बाद जिला सत्र न्यायालय में वास्तविक स्थिति को समझने और यह जानने के लिए कि किस तरह से न्यायालय में कोविड-19 से जुड़े नियमों का पालन किया जा रहा है, अखबार जगत ने इस विषय में चर्चा की वकील यशवंत निगोटे से, जिन्होंने बताया कि अभी तो न्यायालय का 6 जुलाई तक अवकाश होने से यहां लोगों की आवाजाही कम है, फिर भी जो अत्यावश्यक कार्य है और पेंडिंग काम है उन्हें निपटाने के लिए न्यायाधीश, वकील एवं अधिवक्ता संघ से जुड़े अधिकारियों को बुलाया गया है। चूंकि न्यायालय में अक्सर भीड़भाड़ रहती है, इसलिए यहां नियमों का पालन होना भी जरूरी है। सर, अभी काम तो नहीं चल रहा है क्योंकि कोर्ट की छुट्टी है 4 तारीख तक, 6 तारीख से खुलेगी 6 जुलाई से, किंतु जो विशेष काम होते हैं जैसे जमानत का या किसी की गाड़ी जब्त हो जाए वो काम अभी 3 बजे से 5 बजे तक होता है, वो भी रिमांड मजिस्ट्रेट करता है जिसमें 4 जजेस नियुक्त कर रखे हैं यहाँ के ADJ सहित। तो अभी कार्य रुका हुआ है इसलिए अभी भीड़ भाड़ यहाँ नहीं है। आगे की क्या प्लानिंग होगी, किस तरीके से काम होगा, क्या आप बता सकते हैं? आगे की प्लानिंग हमारे यहाँ पर हाईकोर्ट के निर्देश में जिला एवं सत्र न्यायाधीश शर्मा जी करते हैं और साथ में इंदौर अभिभाषक संघ के जो अध्यक्ष हैं वो मिलकर एक योजना बनाएंगे कि कैसा क्या हो सकता है यहाँ पे सुधार। वैसे ये भीड़ वाला क्षेत्र ज़्यादा है इसलिए निर्णय लेने में थोड़ा सा बड़े उच्च स्तर पर परेशानी हो सकती है, इसलिए वो उचित ही निर्णय लेंगे। अभी हमने देखा कि गेट पे पुलिस की तैनाती लगी हुई है, वो रोक रहे हैं लोगों को आने के लिए, इसका निर्देश किसने दिया है? इसका निर्देश जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दिया है क्योंकि इसमें बाहरी लोग आ रहे हैं, कौन किस प्रकार से रोगी थे नहीं है, इसलिए अपनी कैंपस की सुरक्षा के लिए और जो रिमांड मजिस्ट्रेट 3 बजे से ADJ साहब 3 बजे से बैठेंगे दो तब जो खास लोग यहाँ पे आते हैं, जो मुलजिम आते हैं, गाड़ी छुड़ाने आते हैं, उस आधार पे यहाँ पर गेट पर ड्यूटी लगाई गई कि बाहरी लोग इसमें ना आ पाए। मात्र कुछ वकील आते हैं जो ये रिमांड के समय अपनी पैरवी करते हैं। धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम यशवंत निगोटे, एडवोकेट है, मैं भी गाड़ी छुड़वाने के लिए जो कोर्ट लगेगी उसके संबंध में यहाँ पर आया हूँ। इसी के साथ न्यायालय में अनावश्यक भीड़ को कम करने के लिए पुलिस कर्मियों की तैनाती भी की गई है ताकि अनावश्यक कार्य से आए लोगों को जाने से रोका जा सके, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, अखबार जगत, इंदौर।